स्वागत है आप सबका। मैं विवेक बिंद्रा, इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड सीईओ कोच। कुछ चिंतित चल रहा था पिछले कुछ दिनों से इस इंटरनेशनल साजिश को लेके, सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूं। रोज देख रहा हूं चाइना हमारे देश को बॉर्डर पे और बिजनेस में दोनों तरह से ठोक रहा है। बॉर्डर के बारे में तो आजकल आप टीवी और न्यूज़पेपर में देख ही रहे हैं, बिजनेस के उसकी होशियारी के कुछ ऐसे उदाहरण दूंगा बुद्धि चकरा जाएगी। इधर उदाहरण देखेंगे ध्यान से। चाइना से मैंने कुछ सीखा। दुनिया भर में गूगल का ब्राउजर क्रोम पहुंच गया, चाइना ने घुसने नहीं दिया, यूसी ब्राउजर चला रहा है अपना। सारी दुनिया सर्च इंजन के लिए गूगल का इस्तेमाल करती है, चाइना आज भी बाइडू का इस्तेमाल कर रहा है। स्टडी किया तो मेरी बुद्धि चकरा गई। 2.25 बिलियन यूजर्स व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो घुसने नहीं दिया व्हाट्सएप को। क्या कहते हैं, वीचैट ही इस्तेमाल करेंगे। चाइना के लोग देशभक्ति को लेकर बहुत मजबूत है। अपने देश के होम ग्रोन ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर जैक मा को सपोर्ट करने के लिए, अली बाबा को बढ़ाने के लिए आज तक अमेज़न को घुसने नहीं दिया इन लोगों ने चाइना में। लगभग दुनिया के सभी देश जीमेल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन ये अभी भी मोबाइल क्यूक्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं। फेसबुक ने जीत जान कर जोर लगा लिया। दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन चाइना में थी, फेसबुक सोचा चाइना में बड़ा धंधा मिलेगा। चाइनीज लोगों ने होम ग्रोन एंटरप्रेन्योर को डेवलप किया, renren.com लिया, फेसबुक को घुसने नहीं दिया। आप इस्तेमाल करिए ना ट्विटर, वो तो वाइबो इस्तेमाल कर रहे हैं। यूट्यूब का अपना ही वर्जन निकाल दिया, यूकू। अपने देश के इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट की बढ़ोतरी और बेहतरी के लिए पूरा देश इकट्ठा खड़ा हो जाता है इनका। देश की बढ़ोतरी और बेहतरी के नाम पे सारे एक हो जाते हैं चाइनीज। आप कितना भी बैन कर लो, चाइना आज हिंदुस्तान के अंदर 7 लाख करोड़ का $100 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है। लगभग $100 बिलियन से ज्यादा का सामान हम खरीद रहे हैं और $5 बिलियन से कम का सामान हम वहां बेच पा रहे हैं। $95 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड डेफिसिट है। चाइना अपने घर में किसी को नहीं घुसने देता, बाकी पूरी दुनिया में घुस गया है। ओप्पो और वीवो दोनों का मालिक एक ही है और हिंदुस्तान में इस प्रकार घुस गए कि घर घर जाके ही मानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मशीनरी, ऑर्गेनिक केमिकल्स, आयरन एंड स्टील, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, मेडिकल फार्मा प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल एंड यार्न फैब्रिक, सब कुछ तो हम चाइना से लेने को तैयार हो गए हैं। अब ये जिम्मेदारी केवल हमारे देश की सरकार की नहीं रहेगी कि वो बॉर्डर पे लड़ती रहे, अब ये जिम्मेदारी हर भारतीय की हो गई है कि हम अपने व्यापारियों को उठाएं और मिलकर के एक हो जाएं। देश की जनता को एक होना बहुत जरूरी है। अगर देश में खुशहाली आएगी तो फायदा सबका होगा। आज एक ऐसे व्यक्ति की बात करूंगा जिसके बारे में मैंने पढ़ा तो मेरी बुद्धि चकरा गई, मेजर ध्यानचंद। ये हॉकी के जादूगर माने जाते थे। इंडिया की टीम को हॉकी में वर्ल्ड कप में एज ए कैप्टन ये लीड कर रहे थे। जर्मनी ओलंपिक्स फाइनल अपने होम ग्राउंड के अंदर जर्मनी को जब रौंद दिया तो हिटलर वहां से चला गया। शाम को ध्यानचंद को अपने घर में बुला के पूछा, तुम एक्चुअली करते क्या हो हॉकी के अलावा? तो बोले, मैं लांस नायक सूबेदार, एक छोटा सा सिपाही भारत की आर्मी में हूँ। तो उसी समय जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने उनसे कहा, सुनो एक काम करो, जर्मनी से हॉकी खेलना शुरू कर दो, मेरे देश में आ जाओ, तुम्हें आज ही एयरफील्ड मार्शल बना दूंगा। वैसे भी तुम अपने देश के अंदर तो लांस नायक सूबेदार, तुमको कोई नहीं पूछने वाला, तुम्हारा देश तुम्हें कुछ नहीं देगा। ध्यान दीजिएगा, तभी मुस्कुराते हुए हमारे देश के उस वीर सिपाही ने हिटलर को निडर आवाज में जवाब दिया कि मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे बढ़ाने की, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं देश को आगे बढ़ाऊंगा। हाँ, मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे बढ़ाने की, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को आगे बढ़ाऊंगा। आज मैं आपसे पूछता हूं, आज मैं आपको चुनौती देता हूं, और क्या चुनौती दूंगा, मैं चाहता हूं आप अपने आप को चुनौती दें कि आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है देश को आगे बढ़ाने की। मैं आपसे पूछता हूं, आज एक सोचने का दिन है, समझने का दिन है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे देश का कुछ फायदा हो, क्या आप कुछ थोड़ा बहुत ऐसा कर सकते हैं जिससे देश में खुशहाली आए। कम ऑन, देश में खुशहाली आएगी तो फायदा सबका होगा। आज कम से कम कुछ छोटी सी पहल करिए और अभी लिखिए कि आप अपने देश के लिए क्या करना चाहते हैं। इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाइए, पूरे भारत में फैलाइए, ताकि हम हर भारतीय को इंस्पायर कर सके अपने देश के लिए कुछ करना। इंटरनेशनल साजिश बहुत तेज चल रही है, हर देश का आदमी अपने देश की रक्षा और उसको बढ़ाने के लिए लगा हुआ है। आज मैं और आप क्या कर सकते हैं, एक सोचने का दिन है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के नोटिफिकेशन आइकॉन को जरूर हिट कर दीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।